बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे बात करनी है आपने। जी जी जी, उसके ऊपर बात करें प्लीज। शुक्रिया आपका जी। थैंक यू जी। चेयरमैन साहब, मैंने सिर्फ एक मौजू पे बात करनी है और वो है इंसानियत। जो कुछ हुआ पिछले कुछ अरसे में और जिस तरह से ख्वातीन, मज़लूम लोग, बेगुनाह लोग, सबसे पहले तो मैं अब हमारे शहरी पाकिस्तान के और वो तमाम ख्वातीन, वो तमाम बुज़ुर्ग, वो तमाम बच्चे, उन सब के लिए मैं यहाँ पर आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि जितने बेगुनाह लोग, जितने मज़लूम लोग हैं जो इस वक्त अपनों से दूर हैं, जो जेलों में हैं, उनको फिल फॉर इंसाफ दिया जाए। पहली मेरी डिमांड ये है कि उनको फिल फॉर इंसाफ दिया जाए कि वो अपनों के पास जा सकें। और जितने बेगुनाह लोग हैं जो कसूरवार हैं, उन पर कानून के मुताबिक इंसाफ होना चाहिए उनके साथ। लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं, जो मज़लूम लोग हैं, उनको फिल फॉर रिहा किया जाए। ये पहली डिमांड है। और साथ में जो जिस तरह से इस कौम ने 8 फरवरी को अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जिस तरह से ये लोग निकले कि हमने देखा कि बल्ला बंद है। सर आखिरी बात खत्म नहीं है। बजाई साहब माजरत जी, बताएं फैसल साहब आखिरी प्लीज। फैसल साहब मुझे ये बताएं, मुझे आप आखिरी बात क्यों नहीं कर रहे जी? करें प्लीज, आखिरी बात करें फैसल साहब प्लीज। अल्लाह ने कुरान पाक में एक चीज, उसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, इस आयत के साथ। इसमें मैसेज और एक जगह नहीं है, मिसालें दे के अल्लाह ने बार बार कुरान मजीद में एक चीज बोली है कि जब वो इंसान के बारे में कहते हैं कि वो बीच दरिया के मौजों ने उसे आ घेरा और वो मुसीबत में था, यानी कि डूबने वाला था, उस वक्त उसने अल्लाह को पुकारा। और जब अल्लाह ने उसको खुशकी पे ले गया अल्लाह ताला और उसकी मुसीबत से उसको निकाल लिया, तो वह अल्लाह को भूल गया, जैसे कि पहली दफा याद ही नहीं किया था। अल्लाह कहते हैं दर हकीकत इंसान बड़ा नाशुकरा है। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम नाशुक्र क्यों हो चुके हैं। हमें अल्लाह ने जब सब कुछ दिया हुआ है, हम क्यों नहीं सोचते कि हम इतना फायदा उठा सकते हैं इन चीजों से। और मैं फिर कहूंगा कि हमारी सबसे बड़ी पोटेंशियल हमारी नौजवान आबादी है, हम तरक्की कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, कि अगर हम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें और सही तरह से चले। कोई शक नहीं है मुश्किलात से निकलेगा पाकिस्तान अगर होगा अल्लाह पर ईमान, और इंशाअल्लाह ऐसा होगा, ये पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। सिर्फ हमें जरूरत समर की है कि हम इस वक्त इस नादर मौके से भरपूर फायदा उठाएं। चेयरमैन साहब आखिरी बात करूंगा, उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। ये सारे लोग मुझे बीच में अगर इंटरप्ट करते रहेंगे तो बात नहीं चलेगी। देखें, मैं जब आखिरी बात करें जी चेयरमैन साहब, फिक्र ना करें चेयरमैन साहब ये क्या तरीका है? खत्म करें फैसल साहब प्लीज। आप चेयर को मुखातिब हो, आप खत्म करें प्लीज। बात करें बड़े अफसोस की बात है जी। सेनेटर साहब आप प्लीज इनको बोलने दें प्लीज। जिस तरह से जी आपकी बारी जिस तरह से इमरान खान ने अपनी पूरी जिंदगी, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उन्होंने इस कौम को मायूस नहीं किया, इसी तरह इस कौम ने भी 8 फरवरी को इमरान खान को मायूस नहीं किया। ये कौम खराज तहसीन की मुस्तहक है। अक्सर लोग कहते थे कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान। नहीं, अंडर एस्टिमेट मत करें इनको। ये तो वो कौम बन गई है जो माशाल्लाह, ये हमारे पास बहुत बड़ा मौका है चेयरमैन साहब, बहुत बड़ा मौका है, हम इससे फायदा उठाएं और हम लोगों के मैंडेट की कदर करें। जो जिन लोगों ने जिन्हें वोट दिया, उनकी
उस मैंडेट की कदर करें. दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान. यकीन करें पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता. इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, हम यकजा रहें, हम ये मुल्क बड़ा आगे जा सकता है और हम इंसाफ का निज़ाम कायम करें, जुल्म का खात्मा करें और हम एक चीज कर दें. जितने बेगुनाह लोग हैं, मैं आखिर में ये रिपीट करूंगा कि जितने बेगुनाह लोग हैं प्लीज उनके साथ फिल फॉर इंसाफ किया जाए. अल्लाह ताला को इंसाफ करने वाले लोग पसंद हैं. अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद करता है. कुरान मजीद में बार बार है इंसाफ कायम करें, यही एक डिमांड है. आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू साहब. थैंक यू चेयरमैन साहब. सर मैं सेनेटर नसीबुल्लाह बाजी साहब. थैंक यू सर. मैं क्वेटा के हवाले से बात करूंगा. सर पिछले दो दिनों से क्वेटा में बर्फबारी और बारिश हो रही है. सर जो क्वेटा के मुजाफात के इलाके हैं, कुचला, अनवड़क, नौसार, सर दो दिन से 48 घंटे से ना बिजली है ना गैस है. गैस का भी लोड शेडिंग शुरू कर दिया गया है. जो कुछ लाख की आबादी है वो 7 लाख आबादी है. कल रात वहाँ पे ऑल पार्टीज मीटिंग भी हो रही थी, शायद आज ये लोग नेशनल हाईवे भी बंद कर दें. सर इसको सीरियस आप ले लें. दो दिन से गैस बंद कर दी गई है. बिजली तो पहले से 4-4 घंटे होती है, वो तो बंद ही बंद है. अभी बच्चे बीमार हो रहे, कोई जुकाम बुखार, वालदेन परेशान हैं. सर आज ये लोग मेरे ख्याल से नेशनल हाईवे जो है वो बंद कर रहे हैं और इसका नोटिस लेना चाहिए. दो दिनों से बर्फबारी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है और वहाँ के जो तकरीबन आधी आबादी है मुजाफात की, 20 लाख आबादी बनती है, खसूसन कुचलाग और अनवड़क और ये अपना नौसार का जो है बिल्कुल न बिजली है न गैस है. सर इसका नोटिस लेना चाहिए. बिजली तो पहले से ही नहीं है, हम तो भूल चुके हैं बिजली. और बिल जो बेचते हैं गैस के 50-50 हज़ार से कम नहीं है सर. और आज भी दोपहर को एक मीटिंग हो रही है ऑल पार्टीज, जितनी पार्टियां हैं, और वो बा पार्टी के मरकजी रहनुमा के दफ्तर में हो रही है और वो ये रोड बंद हो रहा है सर. वो आजी नुसरुद्दीन काकड़ के घर में हो रही है और ये रोड नेशनल हाईवे बंद कर देंगे सारी पार्टियां. ये नोटिस सीरियस ले ले. दो दिन से न गैस है न बिजली है सर. थैंक यू सर. ये आपका मैटर इंटीरियर मिनिस्ट्री में भेज देता हूँ. थैंक यू. ताकि मंजूर साहब आपने भी इसी पे बात करनी है. मंजूर काकड़ साहब माइक खोले फैसल साहब का जरा. आई एम रियली सॉरी, मैं उनके इंटरप्ट करने पे भूल गया था. मैं सेनेटर सादिया अब्बासी का खास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ. थैंक यू कि उन्होंने आवाज़ उठाई है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी. जी काकड़ साहब, मंजूर काकड़ साहब क्या कह रहे हैं? आपने भी इस पे बात करनी है. थैंक यू मिस्टर चेयरमैन साहब. चेयरमैन साहब जैसा कि सेनेटर नसीबुल्लाह बाज़ई साहब ने क्वेटा बलूचिस्तान के हवाले से बात की है. मिस्टर चेयरमैन, बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की पसमानदगी और बलूचिस्तान से तकरीबन 40-50 साल से गैस निकल रही है. यहाँ पे नसीबुल्लाह साहब ने बात की, सेनेटर साहब ने, कि हनवड़क, नौसार, कुचलाग, ये तो बहुत दूर की बात है मिस्टर चेयरमैन. जहाँ से गैस निकल रही है सुई, वहाँ गैस नहीं मिल रहा और वहाँ पे लोग लकड़ी जला के अपना गुजारा कर रहे हैं. तो फिर मैं बलूचिस्तान का रोना या फिर मैं क्वेटा का रोना या फिर मैं हनवड़क का रोना हो या फिर मैं नौसार, कुचलाग, इस तरह एरियाज के, या पशीन हो या ज्यारत हो या कलात हो, फिर मैं क्या रोना रो? गैस है नहीं और बिल जैसे सेनेटर नसीबुल्लाह बाज़ई साहब ने कहा कि 1-1 लाख रुपए से ऊपर के बिल भेज रहे. जब आप गैस दे ही नहीं रहे हो तो फिर बिल भेजने का जब टाइम आता है तो सबसे पहले घरों को जो है ना बिल पहुंच जाते हैं. ये समझ से बालातर वाली बातें हैं मिस्टर चेयरमैन. अगर हम गर्मियों की बात करते हैं बिजली नहीं है, सर्दियों में आ जाते हैं गैस नहीं है, क्या 21वीं सदी यही है कि मैं अपने आवाम को तकलीफ में रखूं? क्या दुनिया जो चल रही है, जो दुनिया आगे जा रही है, वो अपने लोगों को इतनी तकलीफ देते हैं, इतनी अज़ियत देते हैं जो हम